एक सितंबर को रुद्रपुर थाना क्षेत्र के बेलाकुंड में ग्राम पचोली निवासी ब्रजमंगल गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है पुलिस। वहीं मुखबिर की सूचना पर घटना के मुख्य षड्यंत्रकारी 15,000 के इनामी रामशीष निषाद को रुद्रपुर प्रभारी निरीक्षक ने उसके घर से गिरफ्तार किया है। बेलकुंडा नामक स्थान पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की जाने के क्रम में एक अभियुक्त पंजीकृत किया गया था और उसका पुलिस ने अनावरण किया था। उस अनावरण के क्रम में जो मुख्य आरोपी जिसने इस पूरे हत्याकांड का सूत्रपात और जो प्रोफेशनल मर्डर थे उनको एंगेज करने का काम किया था, वह मुख्य जो अपराधी है रामशीष नाम का व्यक्ति, वह आज गिरफ्तार होकर के जेल भेजा जा रहा है। इसके पूर्व इस प्रकरण में 5 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। ये इसका अंतिम अभियुक्त था और ये वह मुख्य अभियुक्त था जिसने प्रोफेशनल मर्डर्स को इसमें एंगेज किया था गोरखपुर के। उसकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है और आज ये व्यक्ति रामाशीष नाम का जो अपराधी है गिरफ्तार होकर के जेल भेजा जा रहा है। इस व्यक्ति पे 15,000 रुपए का इनाम जनपद स्तर से घोषित किया गया है। पूर्व में जो हत्या हुई थी, जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी वह भी एक हत्या के अभियोग में पहले जेल में था, जेल से छूट कर आया था और 6-7 साल जेल की उसकी अवधि में उसकी पत्नी का एक गांव के ही एक व्यक्ति थे जो अक्सर आते जाते थे, जिन्होंने उनकी बेल कराने में और अन्य उनकी आवश्यकताओं के बीच में आर्थिक सहायता की थी और उन्हीं संबंधों को लेकर के, अवैध संबंधों को लेकर के घर में तनाव था, जब तक उसका विरोध करता था। इन लोगों ने बांध करके और ये व्यक्ति आज जेल जा रहा है इससे चर्चा की और इसने ये जानता था कि गोरखपुर के कोई परिचित इसके अपराधी हैं जो हमारी इसी सीमा पर गोली बजा रखे बीच के हैं, उनको इसने एंगेज किया और जो ब्रजमंगल है।